आम आदमी पार्टी वालों अज फतेहगढ़ चूड़िया विखे रैली की गई। यह रैली पार्टी उम्मीदवार गुरविंदर सिंह शामपुरा के हक च की गई सी। इस रैली में पार्टी आगू गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने संबोधन किया। गुरप्रीत घुग्गी ने साफ किया कि पार्टी की कमान हुण संजय सिंह या दुर्गेश पाठक नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद संभालणगे। घुग्गी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर से धर्म की राजनीति करन दे इल्जाम भी लगाए। विधानसभा चोणों तो पहला सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं अहुदे तो लांबे करन तो बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली टीम का पंजाब च विरोध होया, जिस तो बाद संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक रूपोश हो गए ने। पर दिल्ली के आगुआ लई दोबारा जमीन तैयार करने लई पंजाब दे लीडर हुण अहम भूमिका निभाउण लगे ने। गुरदासपुर विखे चोण रैली नूं संबोधन करदिआं गुरप्रीत सिंह घुग्गी वल्लों पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब दा हवाला दे दिल्ली के आगुआ की वकालत कुछ इस तरह की थी गई। इन्ना इकट्ठा च आम आदमी पार्टी दी रैलियां ते हुंदा है, इहदे नालों ज्यादा इकट्ठ पीपीपी ने भी एक करी करके वकालता सी। केड़ी गल्लों मर गए, केड़ी गल्लों खत्म हो गए, फना हो गए। जितने इलेक्शन होईयां पीपीपी दा जिहड़ा बॉस सी मनप्रीत सिंह बादल, उहदे कोल अपनी सीट भी नहीं सी जित्ती गई। क्यों? क्योंकि उन्हां कोल इदां दे बंदे नहीं सी सिर ते बैठे। दिल्ली तों पंजाब दी पार्टी सी, पंजाब दी पार्टी दे बंदे ऐ कल्टी मारदे ने, ऐ पल्टी मारदे ने, इदां ही वेख के, इदां ही जमीर वेख के, इदां ही औकात वेख के सारी पार्टी बना हो गई। फायदा किन्नू होया? दोबारा कौन आया पावर च? लिमिटेड कंपनी, बादल लिमिटेड कंपनी। संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक का जनतक तौर पर विरोध होने तो बाद पंजाब की कमान हुण आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल खुद संभालण जा रहे हैं, जिस तो साफ है कि पार्टी का अक्ष सुधारन लई एक सफल कोशिश होगी। पर गुरप्रीत सिंह घुग्गी का तर्क इस मामले च थोड़ा वखरा है। उन्होंने आख्या कि संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक ने मैदान तैयार करके जिम्मेवारी केजरीवाल नूं सौंप दित्ती है, तां जो पार्टी विधानसभा चोणां मौके वड्डी लीड ते जित प्राप्त कर सके। बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो कमांड नहीं सामभणगे। वह दुर्गेश पाठक और संजय सिंह उन्हों का कॉन्ट्रीब्यूशन कदे भुले नहीं जा सकता। अज पार्टी जिथे खड़ी है वो दो बंदियां करके खड़ी है, और उन्होंने बड़ा मजबूत किया ढांचे स्ट्रक्चर नू। पर उन्होंने इन एडिशन किया कि हुण मैं भी, क्योंकि समा इन्ना रह गया कि हुण मैनू भी पंजाब जाके काम करन दी लोड़ है, और फ्रंट फुट ते आप आणगे। क्योंकि मिस्त्रियों का काम हुंदा घर खड़ा कर देना, उस तो बाद जिन्हें आके उन्हें डेकोरेट करना है उन्हें डेकोरेट करना, इंटीरियर डेकोरेटर ने आना हुंदा। सो केजरीवाल साहब वो करन आ रहे हैं, उन्होंने ढांचा बनाता, हुण फ्रंट फुट ते आके केजरीवाल साहब खुद काम कर रहे। सुच्चा सिंह छोटेपुर वालों शुरू की जा रही पंजाब यात्रा ते भी गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने तंज कसे। घुग्गी ने छोटेपुर नूं पार्टी का सिस्टम खराब करने वाला आगू भी करार दिता। घुग्गी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर ते धर्म की राजनीति करन दे इल्जाम भी लगाए। बिल्कुल जी, सब नूं दौरे करन दा हक है, पर लोग ये पुछणगे ना कि जदों दौरे दा तुसीं करो वी जदों सारा कुछ ठीक चल रहा सी उदों की ऐसा दौरा पिया सिस्टम दे विच कि सारा कुछ उजड़ गया। मुद्दे नूं मैं क्या राजनीतिक मुद्दे की बहस करो, राजनीतिक मुद्दे ते अपना पक्ष रखो, लड़ाई करो। मैं सिर्फ बेनती की है कि छोटेपुर साहब बड़े सीनियर लीडर हो, हाथ जोड़ के बेनती की कि धर्म नूं आपां विच ना लियाईए। जे धर्म की पीड़ सी तां उदों होनी चाहीदी सी, नहीं तां फिर अज भी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की लीडरशिप नूं बैकफुट ते कर पंजाब दे आगुआं नूं अग्गे कर दिता है, ते दिल्ली तो पंजाब की कमान संभालण लई खुद केजरीवाल अग्गे आ रहे ने। इस रणनीति का पार्टी के जन आधार नूं किन्ना को फायदा होवेगा, ये देखना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी।